स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ, बिल्कुल सही, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। और आप सभी दूसरी कक्षा में हो, ठीक है? तो इससे पहले हमने अमात्रिक शब्द यानी कि क्या, इसका अध्ययन किया था। अमात्रिक शब्द देखे थे, उनकी संज्ञा लिखी, वो देखी थी कि अमात्रिक शब्द किसको कहते हैं। और हमने कई सारे ढेर सारे अमात्रिक शब्दों का अध्ययन किया था, ठीक है बच्चों? तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं आपकी मात्रा, जो हमारा पाठ है दूसरा। कौन सा पाठ हमारा है? दूसरा पाठ है आ। तो आ का मतलब है आपकी मात्रा। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपको आपकी मात्रा दिखाई देगी। ये है आपकी मात्रा। कौन सी मात्रा है? ये आपकी मात्रा, ठीक है बच्चों? तो देखिए आपकी मात्रा जो आती है, ये जो आपकी मात्रा है, वो आपकी मात्रा कई शब्दों में हमें दिखाई देती है। जिस तरह से यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई देंगे, आम, आग, नाव, छाता, तो इन चारों शब्दों में आग की मात्रा मौजूद है, ठीक है? तो यदि आप ये देखेंगे तो यहाँ पे देखो, बोल बोल कर पढ़ो, तो बोल बोल कर पढ़ो इसमें कई सारे शब्द दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये सारे शब्द हमें अच्छे से आपकी मात्रा के लिखने हैं। पर इससे पहले हमें ये देखना है कि जो हमने वर्णमाला सीखी थी, तो उसमें जो व्यंजन है, जो क से लेकर श्र तक है, उनमें आपकी मात्रा किस तरह से लगती है? तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू का। ख प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू खा। ग प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू गा। घ प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू घा। च प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू चा। इसी प्रकार अभी मैंने कितनी बार लिखा है, को एक, दो, तीन, चार और पांच। मैंने सिर्फ पांच व्यंजनों को ही आ की मात्रा लगाई है, लेकिन आपको छ से लेकर श्र तक आ की मात्रा लगानी है। ये हमारा आज का होमवर्क है। हमारा होमवर्क क्या है आज बच्चों? आपको छ से लेकर श्र तक आपकी मात्रा लगानी है। पढ़ो मेरे साथ, छ से श्र तक आपकी मात्रा लगाओ। तो ये मात्रा इस तरह से हमको लगानी है। और ये मात्रा जो सब है, जो आपके पास टू लाइन्स की बुक, नोटबुक है, जिसमें इस तरह से दो रेशाओं की जो नोटबुक होगी, इस पर ये लिखना है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख कर लाई हूँ, तो ये देखिए मैंने किस तरह से लिखा है, अच्छे से देखो। हाँ, तो इस प्रकार आपको ये शब्द लिखना है, ठीक है बच्चों? हाँ, तो इसके आगे हम देखेंगे कि ये जो शब्द है हमारे पास, जो बोल बोल कर पढ़ो ये लिखा है, तो ये शब्दों में आपकी मात्रा किस तरह आती है? तो बच्चों देखो, ये है बा प्लस ग इज इक्वल टू बाग। तो यहाँ पे ये आपकी मात्रा है, ठीक है? तो हम नोटबुक में लिखते समय इस तरह से लिखेंगे, जैसे लिखेंगे देखो, ब प्लस आपकी मात्रा प्लस ग, क्या शब्द तैयार हुआ?
समझ में आ रहा है आपके? हाँ, तो बाघ इस शब्द में दो वर्ण है और यहाँ पे है आप मात्रा, तो आप इस तरह से लिखेंगे, देखो ब प्लस आपकी मात्रा प्लस घ बाघ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नोटबुक में लिखना है, कहाँ पे लिखना है? नोटबुक में। और ये भी जो हमारा है वो भी हमें नोटबुक में ही करना है। ये मैंने आपको दिखा रहा है, ये दो वर्ण वाले शब्द है जिसमें आ की मात्रा आती है। तो इस तरह से आपको ये ब्राउन जो आपकी नोटबुक है उस पर आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने लिखा हुआ है, अच्छे से देखिए, ठीक है बच्चों। तो आज हमने आपकी मात्रा किस तरह से आती है ये सीखा। तो आज हम कुछ पढ़ेंगे, यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको यहाँ पे पेज नंबर 16 मिल जाएगा। हमारे बुक का नाम है रोली। तो रोली हिंदी पाठमाला एक, रोली हिंदी पाठमाला एक, इसमें से हम पेज नंबर 16 निकालेंगे। 16 यानी कि 1616 16। तो बच्चों मेरे साथ पढ़ो। राजा बाजार गया, राजा बाजार गया, आम लाया, बाजा लाया, लाल लाल अनार लाया, गाजर का हलवा लाया, घर आकर अमरस बनाया, अनार का रस चखा, मन भर कर हलवा खाया, हलवा खाकर बाजा बजाया, नाच नाच कर गाना गाया। तो राजा एक बच्चा है आपकी तरह और वो बाजा गया, और बाजा जाते ही उसने किस तरह से मौज मस्ती बनाई, जो चीजें बाजार से लाया वो बताई है, और उसने क्या क्या खाया, क्या क्या किया, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो आपको आपकी माँ के पास बैठकर, आपकी मम्मी के पास बैठकर ये राजा बाजार गया ये आपको अच्छे से पढ़ना है। आप कितनी बार पढ़ोगे? 2 times। कितनी बार पढ़ोगे? 2 times, दो बार पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी मात्रा की पहचान आज हमने की है। आपकी मात्रा की पहचान होने के बाद बारी आती है हमारे एक्सरसाइज की, यानी कि अभ्यास की, जो उसके नीचे दिया हुआ है, और उसके बाद वर्कशीट की बारी आती है।